आखिर क्यों एक ही जगह के नाम को सुनते ही वाजिद की आंखें नम हो जाती थी। आज हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का जिक्र जब भी होता था वाजिद की आंखें पूरी तरह से भावुक होती थी और आंसू उनके आंखों से निकल आता था। ये उनके पुरखों की जमीन रही है, कुछ खबरें ये कहती है, जिसकी वजह से वाजिद खान काफ़ी इमोशनल हो जाया करते थे। ग्वालियर घराने के मशहूर तबला वादक उस्ताद शराफत अली खान के संगीत का वारिस बनने का जब वाजिद के सामने मौका जब आया था, तो कहा जाता है कि अपने भाई साजिद को साथ संभालने को उन्होंने कह दिया था और गायकी की परवाज पकड़ने की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया था। शराफत अली खान ने अपने पिता मशहूर सारंगी वादक उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान से बिरसे में पाया था और इसी कारण से अपने इन दोनों संतानों पर वो सब लुटाने के लिए तैयार थे। सितार, संतूर, तबला की विरासत पाने वाले वाजिद ने संगीत से शोहरत पाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और इसमें सलमान खान से दोस्ती करने के बाद उनका कदम बहुत तेज़ी से फिल्मी दुनिया में कामयाबी की तरफ बढ़ा था। सलमान को लेकर वो हमेशा उन्हें अपना भाई ही कहते थे। दोनों को ही अपने छोटे भाई की तरह सलमान ने ट्रीट किया था, लेकिन वाजिद ज़्यादा उनके करीब थे। वाजिद सलमान के दिल के और ज़्यादा करीब थे, इसके लिए वाजिद के जाने का गम सलमान खान को सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आखिरी गाना भी वाजिद ने सलमान खान के लिए ही गाया, भाई भाई, जिनके धुन में वाजिद का अपना कला था और वो अस्पताल में रहते हुए भी वाजिद खान ने किया था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।